आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ। सिनेमैटिक शॉट्स देख रहे थे सूर्यार भाई आपको डिस्टर्ब करने के लिए, जाओ जाओ आप सिनेमैटिक शॉट्स देखो यार। मैं तो ऐसे हफ्ते में दो वीडियोस डालता रहता हूँ, मेरी वीडियोस क्या ही देखोगे आप लोग, जाओ जाओ देखो देखो, मेरा दिल बहुत बड़ा है खुले। फिर मिलते हैं सिनेमैटिक शॉट्स के बाद, जाओ आप। आगे आप आए बाहर गई, आप बहुत स्मार्ट आदमी हो यार, आप बहुत स्मार्ट आदमी हो। अगर आप स्मार्ट तो हो, पर स्मार्ट आप फिर हो, पहले मेरी कहानी सुनो। मैं बहुत टाइम से घर पे पड़ा हुआ था, कॉलेज भी खुलने वाले थे, बर्फ भी गिर गई थी, मैं परेशान हो गया था घर पे। तो फिर मैंने सोचा कहीं घूमने चलते हैं, एक व्लॉग भी बन जाएगा और साथ में मेरा घूमना फिरना भी हो जाएगा, चैनल का पासवर्ड भी याद आ जाएगा। तो फिर मैं घूमने फिरने के चक्कर में पालमपुर चल पड़ा। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ। मैं थोड़ा सा रात को पहुंचा था तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, थक भी गया था। मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि मैं व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा होता है कि अब मैं हफ्ते में दो व्लॉग डालता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि अब व्लॉग भी बनाने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने जब मैं अगली सुबह उठा, पहाड़ इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना उस टाइम, इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना कि मतलब पालमपुर जगह ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पालमपुर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गया जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो मतलब एकदम बहुत ही ऑसम वाली वाइब आती है। दिन तक लगातार बारिश होती रही और उसके बाद हम मैं घर पे पड़ा रहा तो कुछ व्लॉग तो शूट कर नहीं पा रहा था बारिश में। तो फिर जब बारिश रुकी तो उसके बाद हमने प्लान बनाया कि वहाँ पर एक मंदिर है बैजनाथ मंदिर, तो हम वहाँ पर जाएंगे। शिवजी भगवान का मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, वो बहुत ही पुराने जमाने का बना मंदिर है, पांडवों के टाइम में पांडवों ने वो मंदिर बनाया था वहाँ पर। अगले से अगले दिन मुझे वापस आना था, तो एक दिन का टाइम मेरे पास था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं घूमने चलते, तो घूमने जाने के लिए फिर हम मैंने प्लान बनाया कि हम कांगड़ा फोर्ट जाएंगे। कांगड़ा फोर्ट थोड़ा सा दूर था वहाँ से, पर जगह बहुत ही अच्छी थी। जब हम कांगड़ा फोर्ट गए तो कांगड़ा फोर्ट में मतलब कि एकदम ब्यूटीफुल किला था वो, मतलब एंट्रिंग उसमें बहुत ही बढ़िया थी, पर वो 1992 में एक भूकंप आया था जिसकी वजह से वो टूट गया था, डिस्ट्रॉय हो गया मतलब आधे से ज़्यादा, पर जो जो अभी तक बचा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है।
का शॉट लेने के बाद, उसके बाद फिर मेरे पास उतना ही टाइम था तो एक व्लॉग भी बन गया था, तो फिर मैं अगले दिन घर आ गया। तो इस व्लॉग के लिए मतलब मैं काफ़ी टाइम आप लोगों को वेट करना पड़ा, तो ये व्लॉग आया है। अब शायद कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए अगले व्लॉग में कुछ सरप्राइज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। आप इस व्लॉग को देख लीजिए, शेयर करना है कर दीजिए, ऐसा ज़रूरी भी कुछ नहीं है, चाहते हैं आप तो कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, करना है कर दो, सब्सक्राइब करना है कर दो, कुछ भी जो आपने करना है वो कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं ज़िंदगी में मस्त हूँ, मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अब बस मेटारोल की वीडियो बनानी है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।